कोई बात नहीं, हेलो नोवा, और एक हेलो मेरी बिटिया की तरफ से भी आपको आवाज आ रही होगी। तो नोवा एवीएफ की जर्नी हमारे लिए एक शानदार जर्नी रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग ब्लेस्ड हुए अपनी बेबी के साथ, बट एंटायर प्रोसेस, एंटायर जो सपोर्ट सिस्टम है नोवा का, जिसमें डॉक्टर्स, फैसिलिटेशन स्टाफ, जो फ्रंट डेस्क ऑफिस है, इन सबका रोल होता। तो जो हम जिस चीज के लिए सर्च आउट कर रहे थे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े से बड़े सेंटर्स में, जो सेटिस्फेक्शन वहां पे नहीं मिल पा रहा था, वो नोवा एवीएफ में जाके जो फर्स्ट विजिट में हमें जो एक कन्विंसिंग वे के थ्रू जो काउंसलर्स और उनके जो सेंट्रल मैनेजर ने जो हमें बताया नोवा एवीएफ के बारे में, तब हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। एंड आई टेल यू, बड़ा ही मतलब जिसे हम स्मूदी बोलते हैं, फ्लॉलेस प्रोसेस है, खर्चीला बिल्कुल रहेगा, और खर्च मैं उतना बोलूंगा कि जितना एक नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो खर्चा होता है लगभग वही आता है। आप जितने टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, वही एक प्रोसेस एक महीने के बाद फॉलो होता है। इसके अलावा जो आपको खर्चा लगता है वो एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिसकी वजह से नेचुरल ना होकर हम लोग आईवीएफ की तरफ जाते हैं। तो डॉक्टर अभिनय, डॉक्टर सोनालिका और एंटायर सपोर्ट स्टाफ जो लोग आईवीएफ देहरादून का रहा है, उसकी बदौलत ही वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी। जो हमारी बेबी 4 महीने की हो गई है, उसकी आवाज आप सुन पा रहे होंगे इस वीडियो में। सो वी आर थैंकफुल टू नोवा आईवीएफ एंड आई होप कि ऑल द सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया दे आर वर्किंग इन द सेम मैनर, बिकॉज़ जो मोर पोटेंशियल पार्ट जो होता है वो स्टाफ का होता है, किसी भी सेंटर के लिए ब्रांड नेम को चलाने वाला जो उनका स्टाफ होता है वही होता है। सो वी आर थैंकफुल टू नोवा आईवीएफ, वी आर थैंकफुल टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर अभिनय, डॉक्टर सोनालिका एंड ऑल द सपोर्ट स्टाफ ऑफ नोवा आईवीएफ। थैंक यू।